दिनांक 7 जुलाई 2020 को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णता पालन कराने के लिए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरी इलाकों में पैदल गश्त कर चौराहों और व्यस्त इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया और मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वालों को हिदायत दी गई और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। खबर सहरसा से है। जमीनी विवाद को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर लाठी चली जिसमें महिला सहित 13 लोग जख्मी हो गए। घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के सुहत पंचायत के वार्ड नंबर 12 की है। आपको बता दें कि पानी फेंकने को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ था जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा रेफर कर दिया जहां उसका इलाज चल रहा है। फतेहपुर जनपद की खागा तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत गढ़ा के एक निवासी ने अपने पूर्व साथी पर यह आरोप लगाया कि वो रंजिशन उसे गाली गलौज करता है और मारने की धमकी देता है। भुक्तभोगी ने बताया कि ग्राम पंचायत गढ़ा के रवि तिवारी और अनुराग तिवारी पूर्व में पंजाब में एक साथ काम करते थे लेकिन किसी वजह से रवि तिवारी और अनुराग तिवारी ने वहां से काम छोड़ दिया और ताहिर वहीं काम करता रहा। इनमें से आपसी अनबन हो गई और इसी के चलते 4 जुलाई 2020 को रवि तिवारी अनुराग तिवारी अपने साथियों के साथ आकर भद्दी भद्दी गालियां देने का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? जी ताहिर। कहां से आए हैं? गढ़ा से। अच्छा, क्या समस्या आपकी? जी समस्या ये है कि रवि तिवारी और अनुराग तिवारी हमेशा मारने की धमकी देता है और गलती गलती गालियां देता है, पीछे बोलेरो लगाता है, एक बार पैर भी किया उसने, मैं बराहा गांव में घुस के अपनी जान बचाया। अच्छा, तो किस लिए गाली गलौज? मेरे साथ में 8 साल वहाँ था लुधियाना में काम करता था, उसके बाद उसने छोड़ दिया, मैं वहीं पे काम करता रहा। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो उसी की रंजिश, उसके ना कहने पे मैंने काम किया, उसी की रंजिश हो, जब गांव आता हूँ तो मुझे ऐसे ही गालियाँ देता है, कहता मेरे साथ मैं नहीं करता तो गालियाँ भी देता है, मार कर डालने की यमुना में धमकी भी देता है और पीछे बोलेरो भी लगा देता है। ये कब से कर रहा है? ये हो गए 2 साल। 2 साल से कर रहा है। इसके पहले आपने कभी पुलिस को सूचना दी? 1 साल पहले अभी सूचना दी है। कहाँ पे? थाने में, किशनपुर थाने में। किशनपुर थाने, वहाँ से FIR नहीं ली गई थी तो यहाँ खागत CEO ऑफिस के यहाँ दरखास्त दी गई थी तो वहाँ से सुनाई। अच्छा, फिर उसको उस मामले को दबा दिया गया था। अब वो फिर परेशान था। अच्छा, हर 2 महीने बाद ऐसे ही करता है, जब भी गाँव आता हूँ तो हमेशा वो ऐसे ही करता है, भर्ती भर्ती गालियाँ देता है और मारने की धमकी देगा, घर पे चढ़ने की धमकी देगा। अकेला घर है हमारा मुसलमानों का वहाँ पे, इसलिए ऐसा कहता है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को पकड़ने के लिए जनपद बिजनौर की पुलिस ने सभी बॉर्डर की सीमाओं को सील कर दिया है। पुलिस द्वारा सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ असलहे लेकर जनपद से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की बॉर्डर पर चेकिंग कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे उत्तराखंड भागने की फिराक में है। इसको लेकर जनपद बिजनौर के मंडावली उत्तराखंड बॉर्डर जनपद की पुलिस असलहे के साथ सघन चेकिंग अभियान चला रही है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले कानपुर के बिकरू गांव के रहने वाले विकास दुबे को पुलिस पकड़ने के लिए दबिश देने के लिए उसके घर पर गई हुई थी। इसी दौरान विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए JCB मशीन का सहारा लेते हुए उनकी गाड़ियों को घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी पैदल ही विकास दुबे के घर की तरफ उसे गिरफ्तार करने के लिए बढ़ रहे थे। तभी विकास दुबे ने अपने कुख्यात साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायर झोंक दिया। इस फायरिंग में पुलिस के अधिकारी सहित कुल 8 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद कुख्यात बदमाश विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लगातार पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा विकास दुबे को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। कल एक अफवाह उड़ी थी कि विकास दुबे जनपद बिजनौर में है, इस बात को लेकर पूरे जनपद को सील कर दिया गया था, चेकिंग कराई गई थी गहन, सारे क्षेत्राधिकारी SPRA मैं स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय सब चेकिंग की गई शाम तक और ये गलत पाई गई सूचना।